गो गो बैक गो बैक। गो बैक। पवन गो बैक। गो बैक। गो बैक। पवन गो बैक। गो बैक। साइड। गो बैक। चल तू। गो बैक। गो बैक। अभी आ रहा है टेम्पू। गया। गो बैक। टेम्पू गया पीछे कर पाओ ना। गो बैक यार। जॉबिन सीधा पीछे ले। जॉबिन पीछे ले। गो बैक। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपनी व्लॉग पर। मैं हूँ सती। पीछे आपने जो शॉर्ट क्लिप आपने वॉच की है ये मरी का सहने के। तो रियली हम प्रदेश में है तो हमें बड़ी जो है फीलिंग हुई है इस बारे में। आंखों में आंसू आ गए वीडियोस देख के कि एक खानदान के 8-9 बंदे बेतियाती का शिकार हुए हैं और तकरीबन 24% जो हैं उनकी डेथ हुई है। तो हम ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हम बराबर के शरीक हैं इस दुख में। तो इंशाल्लाह अगर हमसे कोई सपोर्ट हो सकती है तो इंशाल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी अपील है कि इस तरह की जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पे एक ऐसा एक फोर्स बनानी चाहिए जो इन मामलात को डील करे। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स टाइप की होनी चाहिए। जो ऐसा कोई सानिया हो जाए अगर बर्फबारी हो जाए ऐसे किसी भी हादसात को निपटने के लिए वो हम हथियार हो। तो ये हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील है कि इस बारे में वो नज़रसानी करे। तो जो मरने वाले हैं हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। उनके लवाकिन के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमें रियली दिल से बड़ा जो है दुख हो रहा है। दुख फील कर रहे हैं। मरी के होटल्स के वाले को भी ये चीज़ नहीं थी करनी चाहिए कि उनको किराए डबल कर देने चाहिए थे। ये भी एक इंसानियत की जो है वो खिलाफ जाती है ये चीज़। और दूसरा वहाँ का जो रोड महकमा है उसको क्विक एक्शन लेना चाहिए। खा रात हो या दिन हो वहाँ से बर्फ़ हटा के तो गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए था। तो वाहिद चीज़ है जो काफ़ी इतने टूट के वहाँ पे पड़े हैं बर्फ़ पड़ी है सैर व तफरी के लिए गए हैं उनके लिए एक पैगाम है कि एहतियात का दामन हाथ से नहीं था छोड़ना चाहिए। वहाँ पे कैपेसिटी भी इतनी पर्सन की नहीं है। वहाँ पे पर्सन भी हद से ज़्यादा वहाँ पे पड़े हैं तो इजीली वहाँ पे मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है काफ़ी सारा। दूसरा सबसे गुजारिश है कि आप किसी सियाती मकाम पे जाते हैं जब किसी ठंडे मकाम पे तो दूसरा अपनी गाड़ी के हीटर ऑन करके खुदारा आप वहाँ पे स्लीप मत करो क्योंकि इससे ये होता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल जब वो है हीटिंग जो होता है जो हीट वो है वो ऑक्सीजन को कवर कर देता है वो उसको गर्म कर देता है। उसमें से जो ऑक्सीजन के जो हैं मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं 0% पे चले जाते हैं जिसकी वजह से डेथ लाजमी बन जाती है। तीसरा आप अगर सोते भी हैं गाड़ी में तो उसको शीशे थोड़े से नीचे करके सोया करें जिससे ताज़ी हमदोरफ़्त जो है गाड़ी में आती जाए। तो मैं उसे सती आप देख रहे हैं उसे ट्रैवलिंग व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।